जिसने बजरंग दल को बैंड करने की बात कही, जिसने गौ माताओं को फिर से कटवाने की बात कही, जिसने धर्मांतरण पर लगे कानून को हटाने की बात कही, ऐसी पार्टी को कर्नाटक की जनता ने जिता दिया। सुनने में आ रहा है पर पता नहीं, हमने तो नहीं देखा, लेकिन 2000 में एक एक वोट बेचा गया ऐसा सुनने में आ रहा है, 5000 में वोट बेचा गया ऐसा सुनने में आ रहा है कर्नाटक की जनता ने। समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर्नाटक की जनता ने धर्म के बजाय पैसे को चुना, देश के बजाय देश को लूटने वालों को चुना, क्यों? ये आज सोचने और समझने की आवश्यकता है। अगर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 में अगर वोट, जैसे लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले कह रहे हैं कि इस प्रकार से पैसा दिया गया, अगर वो सत्य है तो क्या हमारी वैल्यू इतने की है? कितने दिन खाएंगे? महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, क्या हम खा सकेंगे पैसे? आज कितने ही हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया कर्नाटक में, पीएफआई के ऊपर बैंड लगाने वाली बीजेपी, लेकिन वही पीएफआई को खुली छूट देने वाली यही कांग्रेस, देश को लूटने वाली कांग्रेस, आतंकवादी को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस, हर चीज जो गलत होता है उसके पीछे खड़े होने वाली कांग्रेस, आज ये कांग्रेस को कर्नाटक की जनता ने जिताया है। हमारा एक सपना था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा अगर हमारा ही हिंदू, लोग कह रहे कि 2-3 हजार में बिकने वाला हिंदू, ये क्या हिंदू राष्ट्र बनाएगा? बहुत अफसोस हुआ सुनकर, देखकर कि हमारे कर्नाटक के हिंदू भाई बंधु चंद वोटों के, चंद पैसों के चक्कर में वोट बेच दिए, बहुत दुख हुआ सुनकर, देखकर बहुत दुख हुआ। मैं जनता से निवेदन करना चाहूंगा, एक बार विचार करें कि आपने सही किया या गलत किया है।